महाराष्ट्र गुजरात में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई को मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और गोवा के कुछ इलाकों में भारी बारिश का जारी किया गया है अलर्ट। तो वहीं दिल्ली में 23 और 24 जुलाई को तेज बारिश होने की है संभावना। कोबरा कांड मामले में मशहूर यूट्यूबर एलविस यादव आज ईडी के सामने लखनऊ में होंगे पेश। एलविस यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में किया था अरेस्ट। एलविस के खिलाफ पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल ऑफ एनिमल्स के पदाधिकारियों ने सांपों की तस्करी करने का लगाया है आरोप। 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ अब दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में है किसान। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों की ओर से किया गया देश भर में ट्रैक्टर मार्च का घोषणा। किसानों से संघू और शंभू समेत दिल्ली के लगते बॉर्डर पर पहुँचने की गयी है अपील। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सौराष्ट्र के पोरबंदर, जूनागढ़ और देवभूमि द्वारिका में भारी बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आगामी 25 जुलाई तक बारिश जारी रहने का जताया है अनुमान। मौसम विभाग ने 23 जुलाई के लिए 14 जिलों के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। मुंबई के कई इलाकों में जारी है भारी बारिश का सिलसिला। मुंबई पुलिस ने की आम लोगों से तटीय इलाकों में न जाने की अपील, साथ ही जब तक बहुत जरूरी न हो घर से न निकले बाहर। दरअसल मुंबई में भारी बारिश के कारण हुए जलजमाव की स्थिति से पैदा होने लगे हैं ट्रैफिक की समस्याएं।